हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और इस मंच पर आज हम बुलाना चाहूंगा समाज और सम्मान के लिए आज जोड़ी राम नेताओं जी में आरक्षण बचाओ आंदोलन यहां पहुंचे हैं। और यहां दोस्तों काफी ज्यादा तादाद में यहां पर भीड़ है और आप लोग को जो इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं छाया रहेगी और आंदोलन में हमारा सफल होगा। समस्त माता है और हमारे पूछना चाहूंगा इस मंच में विराजमान तो मैं निवेदन करता हूँ सभी से एक साथ जो होगा राज्यपाल महोदय सुश्री अनुसुईया उइके की आरक्षण की रक्षा न कर सके बनाना है लेकिन आज बाहरी लोगों को आज नियुक्ति दे रहे हैं। इससे होता क्या है कि जैसे बस्तर अंचल में हमारे बस्तर अंचल कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं और यहाँ आके यहाँ की स्थानीय जो नियुक्तियाँ हैं जैसे चपरासी हो गया वर्ग एक दो तीन की नियुक्तियाँ हैं वो होती हैं वो जो है ना नियुक्ति भी उनका हो जाता है उपरांत जो है ना एक साल में अपना ट्रांसफर अपने मैदानी क्षेत्र में जैसे रायपुर हो गया ग्रुप इस क्षेत्र में करते हैं। और हमारे बस्तर अंचल का जो शिक्षा व्यवस्था है उसके कारण जो है ना अल्पदहाल है और जो गुणवत्ता जो है ना नहीं आ रही है। हम चाह रहे हैं कि
आरक्षित जो है ना आदिवासी को 70% है, तो आरक्षण के अनुसार है। बस्तर संस्थान में विकसित में ये बात बस्तर आपके चलेंगे, अलग राज्य बस्तर को अलग राज्य ऐसा कहीं ना कहीं सुनने को देखने को मिलता है, अभी क्या दिख रहा है लगातार पिछले कई वर्षों से बस्तर पृथक राज्य की जो मांग हो रही है, इस तरह पृथक राज्य मांग होने के पीछे का यही कारण है कि भारत के संविधान में जो आदिवासियों के लिए जो प्रोविजन है, जो व्यवस्थाएं आदिवासियों के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार प्रतिनिधित्व का अवसर, ये जितने बातें भारत के संविधान में कही गई हैं, उन बातों को जो भी सरकारें हैं वो सरकारें आदिवासियों को उन सुविधाओं की मुआयना नहीं करा पा रही हैं, इसलिए बस्तर के आदिवासी सरकारों से त्रस्त हो गई हैं, क्योंकि उनकी सरकारें जो है वो आदिवासियों के अधिकारों को देने में वंचित रह चुके हैं, वो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। इसलिए आदिवासियों ने चाहा कि जब आप हमें संविधान में दिए हुए अधिकारों को आप नहीं दे सकते तो हमारा अलग राज्य होना चाहिए, ये जायज मांग है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश जो है वो एक गाँव से जुड़कर बना है, और वो गांव जो आदिवासियों की गांव है, और वो आदिवासियों की गांव की स्थिति आज आप सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में भारत के आजादी के 75 साल हुए, लेकिन आज तक उनको भारत देश के सारे विभाग में उनको प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब सरकारें नहीं दे पा रही तो क्यों ना हम आदिवासी सरकार बनाए और आदिवासी राज्य रहे हमारा पृथक बस्तर राज्य है, ये जायज मांग है, सरकारों की आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार नहीं देने की वजह से ऐसे मांग उठ रही है। जैसा अलग आदिवासी राज्य बस्तर को दिया जाता है तो उसकी क्या विशेषताएं रहेंगी और क्या फायदे? देखिए, बस्तर को अगर पृथक राज्य बना दी जाती है, बस्तर को अलग राज्य बना दी जाती है, और बस्तर जो है 85% पूरा भूभाग जो है वो आदिवासी भूभाग है, और जब बस्तर पृथक राज्य बन जाएगी तो यहाँ के आदिवासियों को जिस तरीके से उनके विकास होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और बहुत सारी चीजों में वो विकास बहुत तेजी से होगी, और जो खनिज संपदाएं आदिवासियों की संपत्ति है वो संपत्ति को वर्तमान सरकारें लूट के ले जाती है, लेकिन आदिवासियों की आज तक उनकी झुग्गी झोपड़ी सुधार करके नहीं आई है, और उनके रोजगार उनके शिक्षा उनके स्वास्थ्य पर आज तक कोई परिवर्तन नहीं आई है, ये सारे चीजें जो है सुविधायुक्त हो जाएंगे और आदिवासी एक प्राकृतिक जीवन जीकर जमीन के साथ आदिवासी जीता है वह जीवन स्वतंत्र रूप से मालिकीय रूप से उसको मिल जाएगा। सरकारें तो दावा करती है कि यहाँ विकास हो रही है, ये मैं एक शब्द में कहूँ तो सरकारें गलत बातें कर रही है, ये झूठी बातें कर रही है। मैं अभी सरकारें के पास आधा आंकड़े हैं, आप जानते हैं कि NMDC जो है बैलाडीला का जो आयरन है वो वर्ल्ड का फेमस आयरन है, एक नंबर क्वालिटी का आयरन है, उस आयरन से निकलने वाले जितने भी भारत सरकार को जो आय होती है उस आय देने वाले आदिवासी जो NMDC बैलाडीला से अगर एक आदिवासियों की झुग्गी झोपड़ी है, छोटे छोटे घरे हैं, ना उनको शिक्षा की सुविधा है, ना उनको स्वास्थ्य की सुविधा है, ना उनको रोजगार की सुविधा है, किसी प्रकार की भी सुविधाएं मुहैया नहीं कर रही है, NMDC जीता जागता सबूत है, आज वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार शिक्षा और मालिकाना हक और उनको शेयर होल्डर बनाने की बात भारत सरकार ने की, NMDC के पैसे से उन्होंने नगर नार स्टील प्लांट बनाई, और उस नगर नार के स्टील प्लांट को वो प्राइवेट ठेकेदारों को बेचना चाह रही है, और आदिवासियों को रोजगार और शिक्षा को स्वास्थ्य को छीनना चाह रही है, इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासियों की कोई विकास अभी तक के नहीं हो रहे, वो ढोंग रच रहे आदिवासी विकास होने का। बस्तर में आदिवासियों को नक्सलिज्म के नाम पर मारा जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर देखें तो हसदेव अभयारण्य भी काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो आदिवासियों को नक्सली के नाम से फर्जी मुठभेड़ में मारी जा रही है वो सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि
सरकार जब तक नक्सली का मुद्दा नहीं बनाएगा तब तक वो आदिवासियों को उनके खनिज संपदा से बेदखल नहीं कर सकती। आदिवासी को उनके खनिज संपदा से बेदखल करने का एक फंडा है नक्सली, ताकि नक्सली के नाम से आदिवासियों को मारे काटे बाहर करे और खनिज संपदाओं को अपने ये नीति चला रही है सरकार, ना कि आदिवासी उस देश का मूल निवासी है, उस राज्य का, उस बस्तर का मूल निवासी है। भाई जो बंदूक लेके या फिर जो संज्ञा भाला लेके जाता है उसको नक्सली कहते हैं सरकार। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, क्या उन्होंने नक्सली होने के लिए कोई नीति बनाई है? क्या क्या बंदूक पकड़ने वाला या क्या भाला पकड़ने वाला, क्या टंगिया पकड़ने वाला, क्या फर्सी पकड़ने वाला नक्सली है? नहीं, टंगिया भाला बर्छी बसुला कुदाड़ी ये हमारे प्राथमिक जीवन जीने के औजार हैं, ये हमारे हथियार नहीं है। सरकार को समझना चाहिए, सरकार अभी तक नक्सली होने के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई है। बिना नीति के जबरदस्ती जो टंगिया भाला पकड़ के जंगल जाता है अपने जीविकोपार्जन को पूरा करने के लिए, उसको नक्सली बोल करके राज्य सरकार जो है उसको वहां पे मार करके भगा रही है। इसका सीधा षड्यंत्र ये है कि आदिवासियों को नक्सली के नाम से मारो और आदिवासियों की खनिज संपदा से बेदखल करो और उद्योगपतियों को खनिज संपदा को बेचो, ये नीति है, ये स्पष्ट कह रही है, ये राज्य सरकार इस नीति पे काम कर रही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आदिवासी एकता आरक्षण तो तुमको देनी होगी, आरक्षण देनी होगी, 32% आरक्षण देनी होगी। उपेंद्र सरकार अच्छा।